देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, क्या क्या शर्तें हैं वो भी आपको बता देते हैं। 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत, सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल। बिना उपराज्यपाल की अनुमति के किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शराब नीति घोटाले में अपनी भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे। ये शर्तें जो हैं वो कोर्ट की तरफ से रखी गई हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि उनके वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था। और इस बीच आपको बता दें कि जो शर्तें रखी गई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि बिना एलजी के अनुमति के किसी भी फाइल में साइन नहीं कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल, शराब नीति घोटाले में अपनी भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशीष सिन्हा लीगल एडिटर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी है, क्या शर्तें रखी गई हैं कोर्ट की तरफ से केजरीवाल के लिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जो आज अंतरिम जमानत दी है उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास है। हम अपने दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर कोर्ट ने क्या शर्तें लगाई है। सबसे पहली शर्त यह है कि 50,000 के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है। दूसरी शर्त, मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल दफ्तर नहीं जाएंगे, यानी दिल्ली सचिवालय वो नहीं जाएंगे और ना ही सीएम ऑफिस जाएंगे। तीसरी अहम बात, अगर अरविंद केजरीवाल को किसी फाइल पर साइन करना बेहद जरूरी हो तो फाइल पर साइन करेंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें उपराज्यपाल से परमिशन लेनी पड़ेगी। चौथी अहम बात, शराब घोटाले में वो अपनी भूमिका को लेकर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, यानी जो ईडी ने कार्रवाई उनके खिलाफ की है उसके बाबत वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। और पांचवी शर्त यह है कि किसी भी गवाह से वो संपर्क नहीं करेंगे, यानी जितने भी गवाह हैं उनके साथ वो किसी भी तरह की बातचीत नहीं रखेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि जो लोकसभा का चुनाव है, ये इस साल का सबसे अहम जो चुनाव होने जा रहा है वो है। 5 सालों के लिए जो जनता है वो अपनी सरकार को चुनती है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जा सकती है। ईडी के जो दलीलें थी उसको अदालत ने खारिज कर दिया, जिसमें अदालत ने ये कहा कि वी रिजेक्टेड द आर्गुमेंट रेज ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन, यानी हम ईडी के द्वारा जो आपत्ति दर्ज कराई गई है हम उसको खारिज करते हैं। द ग्रांट ऑफ एंट्री बेल रिलीज ऑन द अकाउंट वुड बी ग्रिप प्रीमियर ऑन द प्लेसिंग द पॉलिटिशियन ऑन द बेनिफिट पोजिशन कंपेयर टू द ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, यानी जो चुनाव प्रचार के लिए हम इजाजत दे रहे हैं इससे आम लोगों के बीच में वो जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। ये आम जनता में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। 5 अहम कंडीशन से अब आगे क्या होगा ये समझ लीजिए। अब आगे ये होगा कि इसकी एक ऑर्डर की दस्ती कॉपी जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके वकील लेकर पहुंच जाएंगे। क्योंकि इस मामले की सुनवाई स्पेशल सीबीआई और ईडी मामले की जज कर रही हैं, तो उनके सामने ये कॉपी लेकर जाई जाएगी और कहा जाएगा मिलॉर्ड ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15,000 का मुचलका देना होगा, तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से 15,000 का मुचलका वहां पर दे दिया जाएगा और उसके बाद वहां ट्रायल कोर्ट से एक रिलीज ऑर्डर जो होगा वो साइन किया जाएगा। फिर मान लीजिए कि ये रिलीज ऑर्डर है, इस रिलीज ऑर्डर को लेकर वो सीधे तिहाड़ जेल के जेल सुपरिटेंडेंट के पास जाएंगे। ये बोलेंगे ये रिलीज ऑर्डर जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मेरे वकील को जमानत मिल गई है, उन्हें रिहा किया जाए। उसके बाद जो पेपर की फॉर्मेलिटी का जो वक्त होता है तकरीबन उसमें 45 मिनट से 1 घंटे का वक्त लगता है सारी कागजी कार्रवाई को पूरा करने में, क्योंकि वो सारी चीजों को पढ़ते हैं। आशीष, आप हमारे साथ रहिएगा और भी आपसे हम प्रोसेस समझेंगे कि क्या आज ही तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे या फिर वक्त लगेगा, पूरा प्रोसेस क्या होगा, जो पेपर वर्क करना है उसमें क्या क्या चीजें होने वाली है। शुभ राणा भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। शुभ, आपके पास आएंगे। आशीष, आप पहले अपनी बात पूरी करिए।
नहीं देखिए, अभी आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल कब बाहर आएंगे, अरविंद केजरीवाल आज ही बाहर आएंगे और बाहर आएंगे देर शाम तक बाहर आएंगे। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल 6:30 बजे 5:30 बजे या 6 बजे बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल 7 बजे के बाद ही बाहर आएंगे, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट से जब रिलीज ऑर्डर निकलेगा तो उस रिलीज ऑर्डर को लेकर तिहाड़ भी पहुंचना होगा और तिहाड़ में जरूरी कागजी कार्रवाई करने के बाद अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आ जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के पास केवल 21 दिनों का मौका है, इसलिए उनके चाहे लीगल टीम हो, पार्टी के कार्यकर्ता हो, पार्टी के नेता हो, वो ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे कि किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को आज की जो रात है वो तिहाड़ में बितानी पड़े। इसलिए उनकी तरफ से हर संभव कोशिश यही होगी कि आज देर शाम तक ही, भले 8 बज जाए 9 बज जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाए। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के जितने टॉप क्लास नेता हैं, चाहे सौरभ हो चाहे आतिशी हो, हमने अभी सोमनाथ से भी बात की थी, तो ये सारे जितने लोग हैं वो तिहाड़ पहुंचेंगे और बकायदा मुझे लगता है कि वहां पर एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर हम देखेंगे और वहीं पर कार में ही अरविंद केजरीवाल हो सकता है, हालांकि इसको लेकर शुभ ज्यादा बताएंगे हमें, कि वहां पर लोगों को संबोधित करे जेल से बाहर आने के बाद पहली बार। ठीक है, अब चलिए आशीष आपके पास हम आएंगे। देखिए, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है अरविंद केजरीवाल जेल में है, आज फिलहाल कोर्ट की तरफ से राहत मिल गई है। शुभ राणा आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर से लाइव हैं, मोहम्मद अफसर केजरीवाल के घर के बाहर से लाइव हैं। शुभ राणा, क्या तस्वीरें आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर देखने को मिल रही है? जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह नजर आ रहा है, क्या तैयारियां हैं? क्योंकि आशीष बता रहे हैं कि लगभग 7 बजे के बाद किसी भी वक्त केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। जी देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल नया साल हो, किसी का जन्मदिन हो। पार्टी में मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। इस वक्त हम आम आदमी पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं और ढोल नगाड़े बजाते हुए आपको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आएंगे। ढोल नगाड़ों के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है जो लिहाजा अरविंद केजरीवाल का बेहद लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जो 21 अप्रैल के बाद रोष में थे। आपको उनकी लाइव तस्वीरें दिखेंगी। देखिए, ढोल आप दिखाइएगा, कार्यकर्ताओं से भी बात करिएगा, लेकिन मोहम्मद अफसर केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद अफसर, ये वही जगह है जहां पर 21 मार्च के दिन देर शाम को केजरीवाल को गिरफ्तार करके ईडी लेकर गई थी और हमने देखा था कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो हैं आम आदमी पार्टी के उस वक्त यहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गए थे। आज जब रिहाई मिली है, कोर्ट से राहत मिली है, तो आज क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? मैं आपको तस्वीरें ही दिखाता हूँ। पहले ये देखिए, ये सामने
सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बहुत कड़ी कर दी गई है। आप सामने देखिए बैरिकेड्स लगा दिए गए और केजरीवाल के घर से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर जो एंट्री सिविल लाइंस के अंदर जाती है यहाँ पर बैरिकेड्स लगा करके और पुलिस की गाड़ियाँ और पुलिस बल मौजूद है यहाँ पर, ताकि यहाँ से अभी फिलहाल इस वक्त कोई कार्यकर्ता जमा होकर के यहाँ पर किसी ट्रैफिक को अनकन्वीनियंस ना हो, तो इसीलिए यहाँ पर रोक लगा दिया गया है। अभी तक कोई यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन जैसी खबर है क्योंकि शाम 7 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर निकलेंगे और हो सकता है कि वहां से बिल्कुल रोड शो के तरीके में, रोड शो के स्टाइल में वो अपने घर तक आए। तो एक ये जो सफर होगा तिहाड़ जेल से सिविल लाइन तक का, वो एक लंबा सफर बिल्कुल रोड शो की तरह हो सकता है और थोड़ी देर में ही यहाँ पर भी बिल्कुल ढोल गाजे बाजे और लोगों का जमावड़ा यहाँ पर शुरू होने वाला है थोड़ी देर में, और इसीलिए पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है, यहाँ पर पूरे इंतजाम कर दिए हैं कि यहाँ पर अभी अंदर की तरफ किसी को जाने ना दिया जाए ताकि किसी और रेसिडेंट को परेशानी ना हो। लेकिन जैसे जैसे लोग जमा होंगे, जैसे जैसे केजरीवाल की रिहाई का वक्त नज़दीक आएगा, वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ जमा होनी शुरू हो जाएगी। सोनल चलिए आपके पास आएंगे हम, लेकिन इन सब के बीच शुभ राणा, जिस तरह से जानकारी दी जा रही है मोहम्मद अफसर की तरफ से कि जैसे ही बाहर आएंगे और घर तक जब आएंगे तो यही पूरा रोड शो की तरह नज़ारा जो है वो नजर आएगा, बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता साथ में बड़े बड़े नेता जो हैं वो उनके साथ मौजूद रहेंगे। क्या कार्यक्रम है 7 बजे को लेकर और जिस वक्त अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे? कार्यक्रम की बात की जाए तो आपको याद होगा जब संजय सिंह बाहर आए थे तो ये वही पार्टी कार्यालय है, इसके बगल में मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, ये साइड में वही ऑफिस है जहां आपको टेंट लगे हुए नजर आ रही है। और देखिए यहां जो है वो तैयारियां शुरू हो गई, आपको याद होगा जब संजय सिंह आए थे तो ठीक इसी जगह पर संजय सिंह ने भाषण दिया था, और देखिए यहाँ जो है टेंट भी लगाए गए हैं और देखिए काम होना शुरू हो गया है। तो देखिए कयास लगाया जा रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल आएंगे तो यहाँ आके जनता से संबोधन करेंगे, और देखिए जिस तरीके से पार्टी में तस्वीरें हैं, जिस तरीके से एक तरफ पार्टी में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पार्टी में होली दिवाली का महोत्सव बहुत ज्यादा है। और देखिए जब अरविंद केजरीवाल की रिहाई की खबर आई थी तो मैं इसी पार्टी ऑफिस में मौजूद थी, और जिस हिसाब की उस समय खुशी जो कार्यकर्ताओं में थी जो अभी भी बनी हुई है वो देखने वाली थी। और देखिए ये जो पूरा सेटअप है इसको तैयार किया जा रहा है। ठीक अगर मैं आपको पार्टी ऑफिस की दूसरी तस्वीर दिखाऊं तो आपने अभी देखा कि जिस तरीके से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, क्योंकि जब संजय सिंह आए थे तब भी पार्टी का दोष दुगना था और जब आज खुद अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं तो पार्टी लिहाजा बेहद खुश नजर आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पार्टी ऑफिस आएंगे और इन कार्यकर्ताओं को संबोधन करेंगे, क्योंकि देखिए ये वही कार्यकर्ता है जो लंबे समय से अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, और देखिए इनकी जो खुशी है वो लिहाजा आपको देखने को मिल रही है। किस तरीके से पूरे हर्षोल्लास के साथ आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन मोहम्मद अफसर एक बार आपके पास आना चाहेंगे, मोहम्मद अफसर क्योंकि आप कह रहे हैं कि कुछ ही देर में यहां पर भी उसी तरह का नजारा देखने को मिलेगा, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठा होंगे और जश्न की तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी, लेकिन आज से ही क्योंकि रोड शो की शुरुआत क्या आम आदमी पार्टी करने जा रही है जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर होंगे, और आपने कहा कि एक रोड शो की तरह होगा जब वो पार्टी दफ्तर जाएंगे और उसके बाद घर जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच
जिस तरह से ये पूरी गिरफ्तारी हुई और जैसे लगातार आम आदमी पार्टी तमाम आरोप बीजेपी पर लगाती रही है, किस तरह से इस पूरे मामले को जनता के सामने अपने रोड शो के जरिए, अपने संबोधन के जरिए केजरीवाल रखेंगे? बिल्कुल अनन्या, थोड़ी देर पहले ही आतिशी ने अपने बयान में कहा था कि आज जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो वो जैसे ही बाहर आएंगे वो चुप नहीं रहेंगे, वहीं से बोलना शुरू करेंगे और एक बड़े रोड शो की तैयारी भी हो रही है। जब वो तिहाड़ से अपने घर तक जाएंगे तो पूरे जनता को दिखाते हुए जाएंगे कि कैसे वो बाहर आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो राजनीतिक बयानबाजी है वो भी हमें अनन्य देखना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जगह जगह से बयान आने लगे कि ये सत्य की जीत है। जैसे ही तानाशाही बढ़ रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस तानाशाही को तोड़ा है और ये हमारी जीत है। और इसी पर फिर बीजेपी ने कहा कि इसको आम आदमी पार्टी जीत क्यों मानती है, अगर ये जीत होती तो 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को वापस नहीं जाना पड़ता, क्योंकि ये साफ साफ कहा गया है कि 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को वापस सरेंडर करना पड़ेगा। और यही बीजेपी कह रही है कि कहीं से भी अरविंद केजरीवाल इनोसेंट नहीं है, उन्हें सिर्फ अंतरिम जमानत दी गई है। तो पॉलिटिकल बयानबाजी भी शुरू हो गई है और इस बीच में उम्मीद है कि जब शाम में 7 बजे अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर निकलेंगे तो एक पूरे रोड शो की तरह एक भव्य जश्न के साथ वो तिहाड़ से अपने घर तक आएंगे। अनन्या, चलिए आपके पास हम आएंगे, आप रहिएगा। मोहम्मद अफसर, एके मिश्रा राजनीतिक विशेषक हमारे साथ बने हुए हैं। एके मिश्रा जी, जिस रोड शो का जिक्र मोहम्मद अफसर की तरफ से किया जा रहा है कि जैसे ही बाहर निकलेंगे अरविंद केजरीवाल और वो एक रोड शो की तरह होगा जब बड़े नेता कार्यकर्ता मौजूद होंगे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के साथ और पार्टी दफ्तर तक ये पूरा रोड शो होगा, इस रोड शो के मायने क्या होंगे? इस रोड शो के मायने बहुत गंभीर होंगे। इस रोड शो के मायने ये हैं कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी यह सिद्ध करना चाहेगी कि जो गवर्नमेंट है यानी बीजेपी की सरकार है वो तानाशाही की सरकार थी और हमारी जीत हुई है, हम सत्य पे कायम है, हम जो बोल रहे थे वो सत्य है, जबकि ऐसा है नहीं। अरविंद केजरीवाल इज अ ग्रेट मैनिपुलेटर, वो बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपने हितों को साधते हैं। अब दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस तरीके का जश्न दिखाने का मतलब ये होता है कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भरना, और ऑफकोर्स बट नेचुरल है कि आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के जो है वो देखिए तरह तरह के जो है आप स्टेटमेंट देखिए, फेवरेबल स्टेटमेंट लगभग इंडिया अलायंस के सारे पार्टी और नेताओं से आने शुरू हुए। लेकिन इनफैक्ट ये जीत या हार न बीजेपी की है न केजरीवाल की है, ये जीत या हार हमारे डेमोक्रेसी की है, हमारे न्यायपालिका की है। मुझे लगता है कि अपोजिशन या इंडी अलायंस के वो नेता जो बोलते थे कि संवैधानिक ताला लगना चाहिए या लगा लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये न्याय दिया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, एक आजादी, मतलब आजादी क्या होती है इसकी कीमत आज पता चल रही होगी अरविंद केजरीवाल जी को, जश्न मना रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2 तारीख को जब वापस विदाई हो ना, तो अभी तो ये ढोल बैंड बाजे के साथ आ रहे हैं, तब बीजेपी वाले ढोल बैंड बाजे के साथ इसी तरीके से रोड शो निकालते हुए इनकी विदाई करें। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा सम स्थिति में रहिए, न सुख में न दुख में। ऐसा नहीं है कि आप इसको इस तरीके से प्रेजेंट करिए, 2 तारीख को वापस आपको फिर जाना है उसी जी। लेकिन एके मिश्रा जी, इस पूरी कोर्ट प्रोसेसिंग को अगर आपसे समझे तो क्या चीजें रही जो अरविंद केजरीवाल के फेवर में रही, जो ये फैसला सुनाया गया कि भाई 1 जून तक फिलहाल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए राहत है और किसी भी तरह के, एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो पार्टी का प्रचार प्रसार है चुनाव में प्रचार करने पर रोक जो है वो कोर्ट की तरफ से नहीं लगाई गई है? देखिए, कोर्ट प्रोसेसिंग का एक सिंपल सा सिद्धांत या यहाँ पे भारतीय न्याय व्यवस्था की, मैं मॉडर्न नहीं बोल रहा हूँ, भारतीय न्याय व्यवस्था की, कि सभी को समान अधिकार है और अगर कैदी भी है यहाँ पे या कोई कल्प्रिट भी है, हालांकि अभी ये कैदी नहीं है, इनके ऊपर आरोप है, तो उसके भी मानवाधिकार अधिकार होते हैं और कर्तव्यों के पालन करने के लिए कोर्ट या न्यायपालिका भी सभी को देती है। आपने देखा होगा कई बार ऐसी अर्जी लगती है कि हमारे घर में शादी है तो उसको पेरोल मिल जाता है, बहन की शादी है, अंतिम संस्कार है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पॉलिटिकल, हमारे जितने वहाँ पे जज बैठे रहते हैं वो, मतलब उनका हृदय एकदम मानवता से परिपूर्ण होता है, वो बड़े विद्वान होते हैं। तो मैं तो इसको ये मानता हूँ कि भारतीय न्याय प्रक्रिया जो है ये उसकी जीत है, ये दिखाती है कि मानवता अभी भी भारत में
जो है जिंदा है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड थे जिसके बेसिस पे इनको मना किया जा सकता था, या फिर ये बोला जा सकता था कि कुछ कंडीशंस के साथ इनको बेल दी जा सकती थी, जैसे संजय सिंह है। अगर कोई कंडीशंस वगैरह नहीं लगी है तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को भारतीय न्याय पद्धति को सैल्यूट करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशंस जो हैं वो कोर्ट की तरफ से भी रखी गई हैं, जैसे शराब नीति के मामले को लेकर कोई भी वो बातचीत नहीं कर सकते, कोई भी फाइल अगर उन्हें साइन करनी है तो पहले एलजी से उनको परमिशन लेनी होगी, साथ ही 2 जून को उनको दोबारा से सरेंडर करना होगा। ये कंडीशंस जो हैं वो केजरीवाल के सामने कोर्ट की तरफ से रखी गई। एक बार शुभ राणा के पास चले लेते हैं, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और जहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़ों पर जो कार्यकर्ता हैं वो नाचते हुए नजर आ रहे हैं। शुभ राणा, क्या तस्वीरें, बातचीत करिए, किस तरह का उत्साह है जब ये खबर सामने आई? जी देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी आज होली दिवाली एक साथ मना रही है, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी को इस फैसले का इंतजार 21 अप्रैल से था, जब से अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन आ रहे थे, जब से वो न्यायिक हिरासत में गए तब से आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव थी। तस्वीरें देखिए, जो अभी ढोल नगाड़े जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बजाते हुए नजर आए थे, और देखिए अब भी जो है कुछ देर का जो ब्रेक है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है, और देखिए पूरी की पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। और हम बात करने की कोशिश करेंगे, अमानतुल्ला खान जी हमारे साथ मौजूद है, इमरान हुसैन जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इमरान जी, ये बताइए आज अरविंद केजरीवाल रिहा हो गए हैं, किस तरीके की खुशी? पहले मैं आपसे कहूँ, सत्यमेव जयते, और सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सच्चाई को आप दबा सकते हो, परेशान कर सकते हो, प्रताड़ित कर सकते हो, लेकिन जीत सच्चाई की होती है। इमरान जी, ये बताइए, पहले सुनीता केजरीवाल स्टार कैंपेनर बन के उतर रही थी, अब क्या अरविंद केजरीवाल अब जब आ गए हैं वापस, भले ही कुछ दिनों के लिए आए हों, क्या भी उनके साथ लीड रोल में नजर आएंगी? भाई, हमारे तो कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी हैं और स्टार प्रचारक भी हैं, पार्टी के लीडर भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, तो वो तो सर्वे सर्वा हैं ही, तो ये बहुत खुशी की बात है। और आपको दिल्ली में क्या पूरे देश में चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे, दिल्ली में 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा और देश में भी जीतेगा। आखिरी सवाल, क्योंकि आप पहले इस बैनर के तले लड़ रहे थे, देखिए जैसा इस पे लिखा हुआ है अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के पीछे है और लिखा हुआ है जेल का जवाब ऊट से, अब जब वो बाहर आ गए हैं तो क्या इस रणनीति में बदलाव नजर आएगा? देखिए, दिल्ली की जनता ने मन बना लिया, जेल का जवाब वोट से देने जा रही है, और दिल्ली की जनता अपने बेटे से मिलना चाहती है, उन्हें देखना चाहती है, उन्हें सुनना चाहती है, तो वो आ गए, सच्चाई की जीत हुई है, सत्यमेव जयते, सच्चाई अंत में जीत तो सच्चाई की ही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आप इमरान हुसैन को सुन रही थी जो कैबिनेट में मंत्री हैं आम आदमी पार्टी में, और जिस तरीके से पूरी पार्टी जो है वो एक स्वर में कहती हुई नजर आई। आप देखिए ये भी बैनर उठाए खड़े हैं, अब हर महिला को 1,000 रुपए मिलेंगे, ये बताइए क्या कितनी खुशी की लहर है, क्योंकि देखिए कुछ दिनों बाद अरविंद केजरीवाल को वापस जाना है, तो ऐसे में ये जो प्रदर्शन है, ये जो जश्न है, ये कब तक चलेगा? एक्चुअली इट इज ए फाइट अगेंस्ट द रॉन्ग एंड राइट। What is happened in Delhi is that so many benefits of a welfare state has given to the people by the Aam Aadmi governance. And what is the offers of the BJP led NDA is that when they are asking about 15 lakhs or anything, they are telling that चलिए खुशी खुशी आपको जो है वो लोगों की नजर आएगी। और देखिए आम आदमी पार्टी जिसमें हम इस वक्त जा रहे हैं, जिसमें लगातार ये बैनर जो है वो आपको याद होगा, ये बैनर, ये जो बड़ा बड़ा बैनर पार्टी ऑफिस में पूरी तरीके से लगाया गया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे थे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब अरविंद केजरीवाल वापस आ जाएंगे, ग्राउंड जीरो पर आ जाएंगे, तो क्या तब भी आम आदमी पार्टी इस बैनर तले जो है वो चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जो उनका नारा है वो अब भी यही है कि जेल का जवाब वोट से। जी चलिए, आप हमारे साथ रहिएगा शुभ राणा। इस पर एक मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे जरा कमेंट ले लेते हैं। एके मिश्रा जी, जो एक तरह से कैंपेन किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, जेल का जवाब वोट से, और इसी बीच एक बड़ी खबर आपके पास मैं आऊंगी, राव जेवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है, ईडी ने कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में आशीष हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे। तो ईडी ने कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, अब जो तमाम आरोप हैं वो क्या है उसको लेकर यहाँ पर चार्जशीट दाखिल फिलहाल कर दी गई है, और ये कहा जा रहा है कि ईडी ने कोर्ट में 224 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है।
इन सब के बीच देखना यह होगा कि क्या अहम चीजें हैं जो ईडी की तरफ से इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दाखिल की गई हैं। आशीष सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी है 224 पेज की इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में, क्या मुख्य बातें हैं? देखिए अनन्या, कल सबसे पहले आईटीवी नेटवर्क ने अपने दर्शकों को बताया था कि ईडी की चार्जशीट तैयार हो गई है और जल्द ईडी चार्जशीट को दाखिल करेगी। वक्त आज का था और ठीक उसी के मुताबिक ईडी ने आज 224 पन्नों की जो चार्जशीट है वो दिल्ली की राउत रेवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दी है। महज कुछ मिनटों के बाद हम दर्शकों को ये बता पाएंगे कि इस चार्जशीट में किसका किसका नाम है। के कविता के अलावा अरविंद केजरीवाल भी क्या इसी चार्जशीट में है या उनके लिए अलग से चार्जशीट फाइल होगी, ये भी देखना होगा। 224 पेज की चार्जशीट है, अभी जस्ट फाइल की गई है, अदालत के पास इस रिकॉर्ड में रखा जाएगा और उसके बाद सोर्सेज के थ्रू हमें यह जानकारी मिल जाएगी कि इसमें नाम किसका किसका है, भूमिका किस किस की है, किस तरह की भूमिका है, किस तरह के आरोप है, किस तरह की धाराएं हैं। ये सारी चीजें थोड़ी देर के बाद हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। लेकिन ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि सिर्फ 1 जून तक ही राहत जो है वो कोर्ट की तरफ से दी गई है, 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा, कितनी मुश्किलें आपको लगता है बढ़ाती हुई नजर आएगी? नहीं देखिए, चार्जशीट तो दाखिल होनी थी क्योंकि नियम ये कहता है कि 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। 15 मार्च को की कविता गिरफ्तार हुई थी, 15 मार्च से पहले फाइल करना था, 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे, लिहाजा चार्जशीट तो फाइल करनी थी और ईडी की तरफ से सारी जांच पूरी कर ली गई है, इनके रोल को पूरी तरह से एस्टेब्लिश कर लिया गया था, चार्जशीट तैयार हो गई थी, केवल अब फाइल करने की औपचारिकता जो थी वो बाकी थी। आज का दिन चूज किया गया था लेकिन उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट से जो है वो जमानत मिल गई। हालांकि इससे उस जमानत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन यह है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी क्योंकि उनकी जो याचिका है जिसमें उन्होंने हिरासत और गिरफ्तारी को चुनौती दी है जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, तो उस मामले पर इस चार्जशीट का प्रभाव पड़ना तय है। ठीक है आशीष, आप हमारे साथ रहिएगा, जैसे ही आपके पास चार्जशीट आए और क्या मुख्य बातें हैं आप बताइएगा, मैं आपके पास आऊंगी। एके मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। एके मिश्रा, क्योंकि जो एक तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंपेन चलाया गया और ये कहा गया कि दिल्ली का बेटा, और उस पर ये भी कहा गया कि भाई जेल का जवाब दिल्ली की जनता वोट से देगी, ये कैंपेन किस तरह से चला और इस रणनीति को क्या कुछ बदलाव आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाएगा? नहीं मैम, बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी एक ऐसी है मतलब तिलों से तेल निकालने वाली, अरविंद केजरीवाल जी की मैं बात करूं उनके लीडरशिप की, तो एक एक मोमेंट को एक एक एक्टिविटी को आम आदमी पार्टी इनकैश करेगी। पॉलिटिकल इलेक्शन कैंपेन का माहौल चल ही रहा है और बेस भी यही बनाया था कि चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी हमारी पार्टी की हमारे ऊपर है, तो तिलों से तेल निकालने की, पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की और अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी इसको एक प्रचंड जो है जन समर्थन के रूप में डेवलप करना चाहेगी, उससे भी एक प्रेशर जो है आप देखिए गवर्नमेंट के ऊपर बनता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये चार्जशीट जारी हो रही है, ये थोड़ा सा एक चिंता करने वाली बातें हैं। मुझे ये लगता है कि एक तरफ जहां आज़ादी मिली है, कहीं ऐसा ना हो कि इस पर भी बहुत तेज़ी से काम होते हुए इनकी खुशियों के ऊपर फिर से पानी फिर जाए, क्योंकि ईडी भी बहुत अलर्ट है और बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड वे में काम कर रही है। पिछले अगर केसेस को देखें तो वो कोई लापरवाही नहीं बरतेगी, वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि इस तरीके से जो है। चलिए एके मिश्रा, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। एक बार सीधे लेकर चलते हैं हमारे दर्शकों को पश्चिम बंगाल, गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा।